नमस्कार, आप देख रहे हैं पांच की बात। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर लखनऊ से, सीएम की बैठक से विधायकों का निकलना शुरू हो चुका है। दो दो विधायकों से अलग अलग मिल रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हमने समस्या रखी, सबकी समस्या सुन रहे हैं सीएम। चंदौली एमएलए का ये कहना है, सुशील सिंह मुख्यमंत्री से मिलकर अब निकल चुके हैं। तो देखिए, एक ही दो दो करके सभी विधायकों को बुलाया जा रहा है, नहीं एक साथ एकजुट करके बात नहीं सुनी जा रही, बल्कि एक एक करके दो दो करके बुलाया जा रहा है और उनसे फिर उनकी बात पूछी जा रही है, उनके मन का हाल चाल जाना जा रहा है, उनकी व्यथा जानी जा रही है। दो दो विधायकों से अलग अलग मिल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हमने समस्या रखी, सबकी समस्या सुन रहे हैं सीएम। चंदौली एमएलए ने कहा, चंदौली विधायक सुशील सिंह मुख्यमंत्री से मिलकर निकल चुके हैं और न्यूज इंडिया को उन्होंने बताया कि सभी से मिल रहे हैं और सभी की व्यथा को सुन रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए, कल जिस तरह से एक तस्वीर सामने आई थी, उसके बाद से लगातार इस तरह बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई विधायकों से मुलाकात की, उसके बाद में देखिए अब संगठन मंत्री की ओर से भी बैठक की गई, फोन पर बातचीत की गई। अब एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ आज विधायकों से मिल रहे हैं। एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। एसके, क्या जानकारी मिल पा रही है? 4 बजे की लगभग बैठक तय मानी जा रही थी विधायकों के साथ में, अब एक एक दो दो करके बैठके कर रहे हैं, मिल रहे हैं मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम देखें, कल जिस तरीके से सदन स्थगित होने के बाद बीजेपी के विधायक बैठे रहे थे, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री ने उन विधायकों को बुलाया था जिनको कहीं ना कहीं जिनकी समस्याएं थी, जिनका कहना था कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लोक भवन में 4 बजे से लगातार विधायकों से मिल रहे हैं। हालांकि जिस तरीके की बातें थी कि 40-40 के ग्रुप में मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो विधायक अभी मिलकर निकले हैं, तो करीब हम देखें आधा दर्जन से ज्यादा विधायक मुख्यमंत्री से मिलकर निकल चुके हैं यहाँ से। उन्होंने हालांकि मीडिया के कैमरे पे बोलने तो कुछ मना कर दिया, लेकिन उनका कहना था कि मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों की जो समस्याएं हैं, जो चीजें हैं, जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, जिसको लेकर लगातार हम अधिकारी के पास जाते हैं लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जाती, इन सारे विषयों पर हमने मुख्यमंत्री को अपनी बात बताई, अपनी जो समस्याएं थी वो मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, जिसके बाद मुख्यमंत्री जी ने सभी समस्याओं को सुना है और निश्चित तौर पर निर्देश दिया। इसके अभी तक इन तमाम विधायकों की जिनसे जिनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से रही, क्योंकि कल से सिलसिला लगातार जारी है, संगठन मंत्री के साथ में मुलाकात, उसके बाद में सीएम योगी के साथ मुलाकात, फोन पर बात, एक्चुअल में इस मुलाकात, इस बात के पीछे का उद्देश्य क्या है? क्या इनकी व्यथा क्या है, इसको टटोला जा रहा है, या इनके मन में दिक्कतें क्या है जिसकी वजह से कल की एक तस्वीर सामने आई निकल कर, जिसके बाद में विपक्ष को मौका मिल गया सरकार पर वार करने का और आज उसी वार पर चुटकी लेते हुए पलटवार कर दिया सीएम योगी ने, वो बात, वो व्यथा क्या है, कुछ स्पष्ट हो पा रहा है अभी तक? जैसा कि हमारी विधायकों से बात हुई, जिस तरीके से चाहे जो 3 विधायक हैं जिन्होंने मूल रूप से अपनी बात बेबाकी के साथ न्यूज वन इंडिया पर रखी और लगातार वो अपनी बात रख रहे हैं, जिसमें अगर हम देखें गाजियाबाद लोनी विधायक नंदकिशोर गुज्जर हैं, उसके अलावा हम गोपामू विधायक हरदोई से श्याम प्रकाश हैं, वहीं अगर हम इलाहाबाद उत्तरी सीट की बात करें तो जो वहां से विधायक हैं हर्षवर्धन वाजपेयी, ये तीनों लोगों का जिस तरीके से जब न्यूज वन इंडिया ने इनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अधिकारी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो विधायकों की बात नहीं सुन रहे हैं, यहाँ तक कि अगर मंत्रियों का भी फोन उनके पास जाता है तो उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो निश्चित तौर पर जो ऐसे अधिकारी हैं उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, उनके भ्रष्टाचार, मतलब इस पूरे अगर घटनाक्रम को देखें तो लब्बल हुआ ये है कि ये पूरी नाराजगी सिर्फ अफसरशाही को लेकर है कि इनकी बात नहीं सुनी जाती और शुरुआत होती है नंदकिशोर गुज्जर के साथ में, जिनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज होता है और वो आरोप लगाते हैं कि उनके खिलाफ में कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर विधायकों की सबसे बड़ी पीड़ा इसी चीज को लेकर है कि वो अपने क्षेत्र के विधायक हैं, चाहे वो क्षेत्र की समस्याएं हो या उनकी खुद की कोई समस्या हो जिस पर वो अधिकारी से बात करते हैं तो अधिकारी उनको तरजीह नहीं देते हैं, ना ही उनकी बात सुनते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो जिस पर उनका कहना था कि अगर अधिकारियों को लगता है कि विधायक कहीं से गलत है तो उनके ऊपर केस दर्ज होता है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है, लेकिन अधिकारियों के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। जैसा कि हम बात करें प्रयागराज उत्तरी से विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने साफ तौर पर कहा कि अगर विधायकों के साथ कुछ गलत होता है तो उसकी बात कोई उठाने वाला नहीं है, तो निश्चित तौर पर हम एक साथ आकर, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, हमारी लड़ाई किसी पार्टी विशेष से नहीं है, ना ही हम किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, ना ही सरकार का विरोध कर रहे हैं। हाँ ये जरूर है जो भ्रष्टाचार है उस पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी बात सुनी जानी चाहिए और जो भी ऐसे अधिकारी हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, चाहे सपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो या फिर वर्तमान में जो हमारी सरकार चल रही है, इसमें भी कहीं ना कहीं वो अधिकारी वही है, उनके भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लग पाई है, लगातार अफसर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए और विधायकों को मिलाकर ये कहा जा सकता है इसके जो कोशिश विधायकों की ओर से की गई थी वो कोशिश परवान चढ़ी है, कामयाब हो पाई है। यही वजह रही कि यही तो लोग चाह रहे थे कि अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और इनका विरोध इनके लिए सफल साबित हुआ।
विरोध निश्चित तौर पर सफल है, लेकिन बड़ा सवाल जरूर है कि बड़ा सवाल अभी भी है जिसका उत्तर शायद मिलना भी बाकी है, कि जहां 169 विधायकों ने अनऑफिशियल, हालांकि ये लेटर मीडिया में नहीं आया है, लेकिन अनऑफिशियल कल सदन के अंदर विधायक एकता जिंदाबाद के नारे लगाए थे, और साथ ही साथ 169 ऐसे विधायक थे जिसमें सत्ता पक्ष के भी ज्यादातर विधायक थे, अगर हम कहें 100 से ज्यादा विधायक थे जिन्होंने उस पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, विधायक एकता जिंदाबाद के नारों में शामिल रहे थे जिसमें समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के भी विधायक शामिल थे। तो बड़ा सवाल ये है कि इन विधायकों के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई जिसके बाद 169 विधायक सदन स्थगित होने के बावजूद सदन में बैठे रहते हैं और सरकार के विहिप के खिलाफ जाकर काम करते हैं। तो ये बड़ा सवाल जरूर है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। जहां तक अगर हम बात करें विधायकों की समस्याओं की, तो अगर विधायक के पास कोई समस्या होती है तो वो संगठन के पार्टी फोरम पर या फिर सरकार के अधिकारियों के जरिए मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से कल उन्होंने धरना प्रदर्शन विधानसभा के अंदर किया, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी तस्वीर सरकार की तरफ से जरूर नहीं गई है। हालांकि कल के बाद से चीजें सामान्य जरूर है, वो जो सभी विरोध कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आज सदन की कार्यवाही में शामिल थे, और हालांकि अगर हम बात करें लोनी विधायक गुर्जर की, तो उन्होंने अपनी बात भी सदन में रखी, उन्होंने सदन में भी अफसरों पर आरोप लगाए कि उनकी जांच होनी चाहिए, जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया उसकी जांच होनी चाहिए, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल उन्होंने जरूर उठाए। अब देखना यह होगा कि जब मुख्यमंत्री 2-3 विधायकों से अलग अलग मिल रहे हैं और जब वो बाहर निकल रहे हैं, हालांकि उन्होंने अभी मीडिया में चीजें नहीं बताई है कि उन्होंने क्या चीजें रखी, क्या बात हुई, लेकिन ये जरूर है कि उनकी बात सुनी जा रही है। तो देखना यह होगा कि इन सारी बातों को सुनने के बाद क्या एक्शन मुख्यमंत्री लेते हैं और कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिन पर विधायक सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई होती है, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। लेकिन जो सवाल बना हुआ है वो यही है कि 169 विधायकों के अंदर जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उनके अंदर ये हिम्मत कहां से आई कि वो सरकार के विहिप के खिलाफ जाकर धरना प्रदर्शन करें। अच्छा, इसके अभी जो ये 2-2, 3-3, 1-1, 2-2 करके जो बुलाए जा रहे हैं विधायक, इनके कुछ पैमाने सेट किए गए हैं या फिर ये बस इसी तरह से बुलाए जा रहे हैं 1-1, 2-2 करके, या फिर जिन जिनकी जोड़ियां हैं या जिनकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है या जिनके एक जैसे इश्यूज हैं, इस तरह से उनको 2-2 करके बुलाया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। जो विधायक यहाँ पर विधायकों को अलग अलग, जैसा विधायकों से हमारी बात हुई, उनको अलग अलग टाइम स्लॉट दिया गया है, उस टाइम स्लॉट में वो यहाँ पहुंच रहे हैं और जो विधायक पहले मिल चुके हैं वो निकल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर हम कहें तो मुख्यमंत्री 1-to-1 बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या चीजें हैं, और उन्होंने जो कल तस्वीर पेश की है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मुद्दा जरूर दे दिया है। इस मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री विधायकों के साथ बात कर रहे हैं, तो निश्चित है सभी विधायकों की चीजें जरूर सुनेंगे, खासतौर पर उन विधायकों की जिनको ज्यादा शिकायतें थी कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अब स्वयं सारी चीजों को सुन रहे हैं, तो कोशिश यही होगी कि जो भी उन विधायकों की समस्याएं हैं उनको निस्तारित किया जाए और दोबारा ऐसी तस्वीर पेश न हो जिसमें विपक्ष को भी कहीं ना कहीं राजनीति करने का मौका मिले। विपक्ष को भी कहीं ना कहीं राजनीति करने का मौका मिल रहा है। और एसके बनेरी हमारे साथ में। देखिए, विधायकों के धरना कांड पर मंथन का दौर लगातार जारी है, कल से इसी तरह से बैठकें चल रही हैं और मन का हाल जाना जा रहा है। एसके, सबसे खास बात यहां पर जो निकल कर आ रही है वो ये कि अब एक एक करके विधायकों को मिलकर उनकी बात जानी जा रही है, और सबसे अहम बात है कि कोई बाहर आकर कुछ बता नहीं रहा कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से कल चीजें हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, इनके इनके चेहरे के भाव कैसे हैं? ये खुशी है कि अपनी बात कहकर आए हैं या फिर इनकी क्लास लग रही है कि आप सरकार के अगेंस्ट जाकर ऐसा कदम कैसे उठा सकते हैं? बात तो जरूर इन्होंने अपनी कही है, लेकिन निश्चित है कि मुख्यमंत्री ने इनकी क्लास भी लगाई है, क्योंकि जिस तरीके से विधायक बाहर निकलकर मीडिया से बच के भाग रहे हैं, तो इन सारी चीजों से निश्चित है कि इनकी क्लास जरूर लगी है। क्लास का मुद्दा वही है कि जो चीज आपको कहनी थी, आप सदन में होते हैं, आप मुख्यमंत्री लगातार कार्यालय में बैठते हैं, लगभग अगर हम बात करें तो हफ्ते के 7 दिन में मुख्यमंत्री 5 दिन लोक भवन रहते हैं और 4 बजे से निर्धारित समय होता है जो आरक्षित होता है, जिसमें विधायकों से मिलते हैं, अगर आवास पे होते हैं तो भी विधायकों से मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी बात सदन में नहीं रख रहे हैं, आप अपनी बात लोक भवन में नहीं रख रहे हैं, आप अपनी बात मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात के दौरान नहीं रख रहे हैं और पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को सूचित नहीं कर रहे हैं, और आप सीधे धरना प्रदर्शन सदन में कर रहे हैं, जो तस्वीर कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश, पूरे देश स्तर पर जा रही है, जिसमें विपक्ष को एक मौका जरूर मिल रहा है। तो सारी चीजों को लेकर क्लास भी निश्चित तौर पर लग रही होगी। अच्छा, इसमें सबसे अहम बात ये भी है एसके, कि जिस तरह से पूरा का पूरा जो बीजेपी के विधायकों का एक ग्रुप था वो एक साथ आता है, फिर ये लोग बैठ जाते हैं, फिर इनके साथ में विपक्ष के भी कुछ विधायक आ जाते हैं, इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि इनमें नेतागिरी कौन कर रहा था? ये किसी के भी लिए एक बड़ा चैलेंज था, बीजेपी के अंदर विधायकों को एकजुट करके सरकार के ही खिलाफ नाराजगी देने का मौका देना।
बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल है, जो मैंने पहले भी कहा कि आखिर इन विधायकों के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई कि कैसे ये अपने पार्टी के व्हिप के विरोध में जाकर। नहीं तो क्या इसमें इसमें क्या मुख्य भूमिका नंदकिशोर गुज्जर की थी? क्या नंदकिशोर गुज्जर ने सबको एकजुट कर लिया, या इन सबका दर्द एक जैसा था, बस एक ने अगर मुखर होकर सामने आकर ये स्पष्ट किया तो सारे उसके पीछे आ गए? एक समस्या ये जरूर है, अगर अगर हम देखें कि अधिकारी निश्चित तौर पर विधायकों को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं तो ये एक बड़ी वजह जरूर है। हालांकि अगर हम देखें तो क्योंकि किसी भी विधायक कोई भी अपनी शुरुआत स्वयं से नहीं करना चाहता था। नंदकिशोर गुर्जर का एक ऐसा मामला था जिसमें विधायकों को ये मौका जरूर मिला कि नंदकिशोर गुर्जर के माध्यम से अपनी बात सदन में रख सकते हैं। जिस समय सदन में बात रखने की कोशिश कर रहे थे नंदकिशोर गुर्जर, उस समय हंगामे के कारण तीन बार सदन स्थगित हुआ, चौथी बार में। चलिए अब तो नंदकिशोर गुर्जर के भी तेवर बदले बदले से हैं एसके। खैर आप नजर बना रखिए, बाकी के अपडेट्स भी देते रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए धरना कांड पर लगातार मंथन जारी है और मुख्यमंत्री की खबर ये आ रही है कि क्लास भी लगा रहे हैं और उनकी बात को भी सुन रहे हैं। उनका ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर है कि जब आपके पास पूरा मौका है अपनी बात को रखने का तो फिर आपने विरोध का ये तरीका क्यों अपनाया? पार्टी प्लेटफॉर्म पर जो बात आप कह सकते थे उसके लिए आपने विपक्ष को क्यों मौका दिया? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने देखिए ट्वीट किया है और बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा है, शिक्षण संस्थानों में शिक्षार्थियों पर हिंसक प्रहार करने वालों ने भारत के विश्वगुरु की छवि को खंडित किया है। आज भाजपा की नफरत भरी राजनीति से हमारे देश का वसुधैव कुटुंबकम का वैश्विक सौहार्द का सिद्धांत दुनिया भर के समाचारों में धूमिल हुआ है। दरअसल कुछ अंग्रेजी अखबारों ने जो टैगलाइंस दी हैं उन टैगलाइंस को लेकर टैग करते हुए अखिलेश यादव ने ये प्रहार किया है सरकार के ऊपर। उन्होंने कहा कि भारत की विश्वगुरु की छवि थी, लेकिन जो तस्वीर उभर कर सामने आई उसने उस छवि को धूमिल करने का काम किया है। शिक्षण संस्थानों में शिक्षार्थियों पर हिंसक प्रहार करने वालों ने भारत की विश्वगुरु की छवि को खंडित किया है। आज भाजपा के नफरत भरी राजनीति से हमारे देश का वसुधैव कुटुंबकम का वैश्विक सौहार्द का सिद्धांत पीछे छूट रहा है। खबर लखनऊ से, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किया। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर उनका विरोध प्रदर्शन रहा। राजभवन के गेट नंबर 2 पर सपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। देखिए इससे पहले पीएसपी भी धरना प्रदर्शन कर रही थी, अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए धरना पॉलिटिक्स चल रही है सीएए और एनआरसी पर। सपा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। लाठीचार्ज भी करना पड़ा क्योंकि लगातार जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो आगे बढ़ रहे। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है उत्तर प्रदेश में। इससे पहले देखिए लखनऊ की बात हो, प्रयागराज की बात हो, या फिर बात हो मऊ की, आपने तस्वीर देखी थी किस तरीके से अब यहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। अब नेताओं की ओर से भी इस पर काम शुरू हो चुका है। नेता भी इस बिल को लेकर, कानून को लेकर विरोध कर रहे हैं। राजभवन गेट नंबर 2 पर कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें उस दौरान की आप देख रहे हैं जब इन सभी को पकड़ पकड़ कर ले जाया गया। ये लोग तमाम नारेबाजियां कर रहे थे, सपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और इसी धरने के दौरान में आप देख रहे हैं किस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता उनको वहां से हटाया जा रहा है क्योंकि ये लोग राजभवन के सामने पहुंच गए थे और राजभवन के सामने ये लोग धरना पॉलिटिक्स में लगे हुए थे। और इसके बाद देख रहे हैं आप किस तरह से लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा। तो सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी पीएसपी भी सड़कों पर उतरी और सड़कों पर उतरने के बाद इन लोगों की ओर से भी लगातार नारेबाजी की गई। सीएए एनआरसी के विरोध में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी रही और खुद पार्टी अध्यक्ष शिवपाल यादव भी इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। सड़कों पर उतरने की कोशिशें प्रयास शिवपाल यादव की पार्टी की ओर से भी किए गए। उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब पीएसपी ने धरना प्रदर्शन किया। सीएए और एनआरसी के विरोध में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी लगातार काम पर है, सड़कों पर उतरने की तैयारी में थी और उस तैयारी को पूरा करने के बाद सड़कों पर भी उतर गए कार्यकर्ता। तो ये तस्वीरें आप उस दौरान की देख रहे जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस के साथ भिड़ने लग गए, बैरिकेडिंग को कूद कर इस ओर आने की कोशिश करते रहे और इस दौरान में पुलिस ने उन्हें वहीं रोकने के तमाम प्रयास किए। ये
अधिनियम के खिलाफ पूरे देश के लोग, और जो देश का भविष्य है, नौजवान है, छात्र है, अगर उस पर लाठी बरसाई जा रही है तो इस विरोध को ये सरकार लाठी और गोली आंसू कैसे दबाया नहीं जा सकता। देखिए पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट है, अब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ विद्रोह है, और अगर इसी तरीके से ये सरकार छात्रों की आवाज को, नौजवानों की आवाज को लाठी और गोली पर किया, गोली से दबाया नहीं जा सकता, तो देखिए ये जो विद्रोह था, विद्रोह है, विरोध नहीं विद्रोह में, अब तो विद्रोह है, तो विद्रोह को। और देखिए तस्वीर तमाम आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, नारेबाजियां की जा रही हैं और सरकार को घेरा जा रहा है, और इससे यह कहा जा सकता है कि विपक्ष इस पर काम पर है। और डीएनडी पर भीषण जाम लग गया है, 3 किलोमीटर लंबा जाम। नोएडा पुलिस ने कालिंदी कुंज के पास रूट डाइवर्ट किया है, जामिया हिंसा के बाद से कालिंदी कुंज रूट डाइवर्ट है, और इसी के चलते डीएनडी पर भीषण जाम लगा है, 3 किलोमीटर का लंबा जाम डीएनडी पर है। ये तस्वीरें डीएनडी की आप देख रहे हैं, जिस डीएनडी से पराठे से उड़ती हुई गाड़ियां नजर आती हैं, आज उसी डीएनडी पर लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लग गई है, लगभग 3 किलोमीटर के दायरे तक ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तस्वीरें डीएनडी की आप देख रहे हैं, 3 किलोमीटर तक जाम फैल गया है डीएनडी पर, 3 किलोमीटर लंबा जाम है, जहां अगर गाड़ियां फराटे की तरह दौड़ती नजर आती थी, आज वही गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। ये तस्वीरें डीएनडी की, जामिया हिंसा के बाद में दरअसल रूट डायवर्जन किया गया है, और उस रूट डायवर्जन के बाद में देखिए दूर तक जहां पर आप देखेंगे लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें आपको नजर आएंगी, डीएनडी पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है। ये तस्वीरें हैं नोएडा के डीएनडी फ्लाईओवर की, जिस डीएनडी पर आमतौर पर गाड़ियां सरपट दौड़ती नजर आती हैं, आज वहां पर गाड़ियों को रेंग रेंग कर चलना पड़ रहा है। जो रास्ता आपके सफर को छोटा बनाता था, आज वही वक्त जाहिर कर रहा है। तो डीएनडी पर 3 किलोमीटर का लंबा जाम लग चुका है, नोएडा पुलिस ने कालिंदी कुंज के पास में रूट डाइवर्ट किया है, जामिया हिंसा के बाद में कालिंदी कुंज रूट डाइवर्ट किया गया। देखिए जामिया में जो तस्वीर सामने आई उसके बाद में सुरक्षा के लिहाज से कई रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं, जिनमें कालिंदी कुंज रूट भी डाइवर्ट किया गया, और फिलहाल आप देख रहे हैं डीएनडी की ये तस्वीरें हैं, डीएनडी का ये नजारा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप डीएनडी से अपने गंतव्य पर थोड़ा कम समय में पहुंच सकते हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ कर ये मार्जिन लेके ही वक्त जरूर चलेगा, क्योंकि 3 किलोमीटर इस लंबे जाम में आपको भी फंसना पड़ेगा और आपको भी इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसे में थोड़ा सा वक्त एक्स्ट्रा लेकर चलेगा। डीएनडी पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ, नोएडा पुलिस ने कालिंदी कुंज के पास रूट डाइवर्ट किया। उन्नाव में बेकाबू बस पलटने से बड़ा हादसा हुआ, पिकअप गाड़ी को टक्कर मारने के बाद बस पलट गई, हादसे में करीब 18 लोग घायल हुए हैं। पूर्वा से उन्नाव जा रही थी बस, बिछिया गांव के पास यह हादसा हुआ, बेकाबू बस पलटने से बड़ा हादसा, एक ही परिवार के लोग इसमें मारे गए हैं। पिकअप गाड़ी को टक्कर मारने के बाद बस पलट गई, हादसे में 18 के करीबन लोग घायल हुए हैं। पूर्वा से उन्नाव बस जा रही थी। बिछिया गांव के पास ये हादसा हुआ, तस्वीरें आप देख रहे हैं हादसे के बाद में किस तरह से लोग आनंद फानन में हैं, और आप देखिए किस तरह से बेकाबू बस पलटी, पिकअप गाड़ी को टक्कर मारने के बाद बस पलट गई, उसके बाद जो घायल है उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ी मशक्कत के बाद में देखिए बस में से लोगों को बाहर निकाला गया, उसके बाद एम्बुलेंस इन तमाम घायलों को अस्पताल लेकर पहुंची। वहीं दिल्ली में जामिया हंगामे के दौर में पत्रकारों पर भी हमले का मामला है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने घटना की निंदा की है, आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। किशन रेड्डी ने कहा सरकारी संपत्ति का नुकसान बर्दाश्त नहीं। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा, सरकारी संपत्ति का नुकसान बर्दाश्त नहीं होगा। दिल्ली में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के विषय पर जो प्रदर्शन करते हुए कुछ लोग सरकार के
पब्लिक के प्रॉपर्टीज पूरा डिस्ट्रॉय करते हुए जो प्रदर्शन किया है, उसके कारण से दिल्ली में एक कुछ एरियाज में टेंशन भी है। जानबूझकर ये लोग ये ऐसे एंटी डेमोक्रेटिक गतिविधियां कर रहे हैं। इसी संदर्भ में पत्रकारों के ऊपर भी बिना कारण अटैक करके महिला पत्रकारों को भी मार पीटे हैं। भारत सरकार के तरफ से इसका खंडन कर रहे, पत्रकारों के ऊपर जो भी अटैक किया है उनके ऊपर वीडियोस भी है, उनके ऊपर जांच करेंगे, उसके ऊपर जरूर पुलिस के द्वारा कार्रवाई होगा। रामपुर में 6 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या का मामला, अदालत का ऐतिहासिक फैसला, आरोपी नाजिल को फांसी की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ था आरोपी नाजिल, पुलिस ने मुस्तैदी से मामले की पैरवी की थी और अब उस बच्ची का आरोपी दोषी फांसी की सजा पाएगा। पॉक्सो अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। जिशान हमारे साथ, हमारे संवाददाता रामपुर जुड़ गए। जिशान, पुलिस की तत्परता कई दफा एक बेहतर नजीर पेश कर सकती है और वही नजीर इस बार पेश की गई है। जिशान आप हैं क्या हमारे साथ? शायद हमारा संपर्क फिलहाल टूट चुका है, फिर प्रयास करेंगे संपर्क साधने का। लेकिन देखिए, पुलिस की तत्परता हर मामले को लेकर अगर ऐसी हो तो ऐसे अपराधियों के मन में खौफ पैदा हो। अब खैर, जब देश में एक अलग ही तरह की आवाज उठ रही है, ऐसे दरिंदों के खिलाफ में सिर्फ एक ही आवाज आती है और वो आती है इनको फांसी की सजा दो। ऐसे में पुलिस ने मुस्तैदी से मामले की पैरवी की थी और 6 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या के मामले में अब ऐसे दोषी को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। अदालत का यह ऐतिहासिक फैसला है। आरोपी नाजिर को सुनाई गई फांसी की सजा। पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ था आरोपी नाजिल, पुलिस ने मुस्तैदी से इस पूरे मामले में कार्रवाई की और आखिरकार पुलिस की यही तत्परता ऐसे दोषी को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी। एक तरफ निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा कब होगी इस बात का इंतजार है, वहीं दूसरी तरफ 6 साल की बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। मुठभेड़ के बाद नाजिल गिरफ्तार हुआ था और अब इस पूर्व मामले, देखिए कितनी तत्परता दिखाई है पॉक्सो कोर्ट ने। पुलिस ने मुस्तैदी से मामले की पैरवी करते हुए उसे तुरंत जांच पड़ताल कर चार्जशीट कर कोर्ट के समक्ष पेश किया और अब कोर्ट ने फैसला लिया उसे फांसी के फंदे पर लटकाने का। जिशान हमारे साथ, हमारे संवाददाता है। जिशान, आखिरकार 6 साल की उस बच्ची की जिंदगी को तबाह करने वाले ऐसे दोषी को फांसी का फंदा नसीब होगा? देखिए, बहुत ही जल्द ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला लाया गया था जिसके बाद रामपुर पुलिस ने इसकी तेजी से पैरवी की थी और डॉक्टर अजय पाल शर्मा जो रामपुर एसपी हैं उनके उसमें नेतृत्व में एक एनकाउंटर नहीं था आरोपी का, जिसके ये रेप के बाद इसने बच्ची को बेरहमी से जला के मारा था ऐसा जी। अब बहुत तेजी से ये मामला कोर्ट में पुलिस ने पैरवी भी की है और अब जो सेशन कोर्ट है उसमें इसको फास्ट ट्रैक के फैसले की तरह इस आरोपी को दोषी करार दिया है। और चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी नाजिल को फांसी की सजा सुनाई गई है। आखिरकार आरोपी नाजिल को अब फांसी का फंदा मिलेगा? एक बच्चे की जिंदगी तबाह करने वाला, इंसानियत की सारी हदों को पार करने वाला, मानवता को शर्मसार कर देने वाला ऐसा दोषी अब समाज में नहीं रहेगा। फांसी के फंदे पर उसको लटकाया जाएगा। पॉक्सो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। 6 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या के मामले में नाजिल को फांसी की सजा मुकर्रर की गई है। अदालत का यह ऐतिहासिक फैसला है और जनता की भावनाओं के अनुकूल भी, क्योंकि जनता बार बार यही मांग करती है कि ऐसे दोषियों को सिर्फ फांसी की सजा ही मयस्सर होनी चाहिए।
पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ था आरोपी नाजिल। हुआ था ये और पुलिस ने मुस्तैदी के साथ में इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की और पुलिस की मुस्तैदी का ही नतीजा है कि आखिरकार ऐसे दोषी को फांसी का फंदा नसीब होगा। पुलिस ने मुस्तैदी से मामले की जांच की, पैरवी की और उसके बाद 6 साल की उस मासूम को इंसाफ दिलाने का काम किया है। 6 साल की बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी और इस पूरे मामले को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। लोग बार बार यही मांग कर रहे थे कि ऐसे दोषी को फांसी की सजा दो। आखिरकार पॉक्सो कोर्ट ने लोगों की उन्हीं जन भावनाओं के आधार पर और इसके अपने कुकर्मों के आधार पर जो इसने एक बच्ची की जिंदगी को छीनने का काम किया उस आधार पर कोर्ट ने आखिरकार फांसी की सजा तय की है ऐसे दोषी के लिए। 6 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या के मामले में अदालत का यह ऐतिहासिक फैसला। आरोपी नाजिल को फांसी की सजा सुनाई है पॉक्सो कोर्ट ने। आरोपी नाजिल को फांसी की सजा दी गई है। एक तरफ निर्भया के हत्यारों को अभी तक फांसी की सजा नहीं हुई लेकिन रामपुर में देखिए एक नजीर पेश करने की कोशिश की गई है और ऐसे ही नजीर अगर पेश की जाए तो ऐसे लोगों की हिम्मत ना हो पाए कि ये बच्चियों के महिलाओं के खिलाफ में जरा सा भी ऐसी गंदी सोच रख पाए। लेकिन इंतजार तो बहुत ज्यादा होता है इंसाफ के लिए, आम तौर पर यही ऐसे लोगों के हौसले को बढ़ाने का काम करता है। फिलहाल आरोपी नाजिल को फांसी की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। 6 साल की बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या के मामले में नाजिल दोषी करार हुआ और उसके बाद पुलिस ने एक तरफ जहां मुस्तैदी से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की तो अब कोर्ट ने भी फैसला किया है इसको फांसी के फंदे पर लटकाने का। पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा नाजिल को सुनाई है। अदालत का यह ऐतिहासिक फैसला है। रामपुर में पुलिस की तत्परता ने एक बच्ची को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने का काम किया है। एक बेहतर नजीर पेश की गई है। पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा उस बच्ची के हत्यारों के लिए सुनाई है। मुठभेड़ के बाद में इसकी गिरफ्तारी हुई थी और देखिए जल्द से जल्द कार्रवाई हुई है। पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ में इस पूरे मामले में पैरवी की और आखिरकार 6 साल की उस बच्ची से रेप के बाद हत्या के इस मामले में जो अपराधी सोच रहा था कि उसे कहीं भी रत्ती भर राहत मिलेगी उसके लिए तमाम उन राहतों के दरवाजे बंद हो चुके हैं। आरोपी नाजिल को फांसी की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। पुलिस ने मुस्तैदी से इस पूरे मामले की पैरवी की थी। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ था यह आरोपी नाजिल और इसकी गिरफ्तारी के बाद इसके खिलाफ में चार्जशीट दायर की गई, पूरी जांच पड़ताल की गई और उसके बाद अब पॉक्सो कोर्ट ने इसे फांसी के फंदे पर लटकाने की सजा तय कर दी है। 5 की बात में इतना है लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला जारी बन रही है हमारे साथ। नमस्कार।